Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. अच्छा शाहजहान बड़ी अपना बहुत ज्यादा टेक ऑफ रखना क्या करना टेक ऑफ कहीं ट्रेन ना निकल जाए आपकी। अरसल तुम कब अप्लाई करो वापस वीजा के लिए? एक्चुअली मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है अरसल। वैसे विजिट वीजा मिल जाएगा ना अरसल को? क्यों शायद? ऑब्वियसली मिल जाएगा दूसरी बार। छोड़ो यार ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो। एक्चुअली चेक इन शुरू हो गया होगा यार, हमें चलना चाहिए। पापा का क्यों नहीं करना, वरना पता है तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। सर रख तुम सा मैं उस इंसान को खुश नहीं रख सकती जो खुद खुश नहीं रहना चाहता। देखो तो तुम्हारी बीवी का क्या हाल हो रहा है, इतनी तबीयत खराब है उसकी, उसको डॉक्टर को दिखवाओ। पीजन मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसे कहें कि अपने काम खुद करने की आदत डाल ले, वहाँ जाके भी तो करनी है। उमा अगर वो लड़की होकर ना मुकाबलेबाजी और जिद पर अड़ सकती है तो मैं उसके गोटों को हाथ लगाऊं, पैर पड़ूं उसके आगे के मत छोड़कर जाओ मुझे। असल जमशेद अली सब कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बता देना उसे। छनो कहीं खुशखबरी तो नहीं है? हाँ परी जो है ना उड़ते परिंदे के पार गिन लेती है, तो शर्ट लगा मेरे नाल। तू ना छनो दादी बनने जा रही है। हाय मैं सदके मेरी शहजादी, हाय मेरी बच्ची, हाय मुबारक। मैं ना वल्ला मुमा नहीं जाना, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन दाजी ने तो जानबूझ के आग कर दिया ना जलाल को पूरी प्रॉपर्टी से। तो आप फिक्र मत करवा करना, हम दाजी से बात करेगा कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगा। फिलहाल इस घर में तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम हॉस्टल चली जाओ। हाँ मुमा नहीं जान, चला जाती। भाई तूने ही तो कहा था वर्जिश करके मिठू बहादुर लगेगा। मैं ना जा रही है। कहाँ जा रही है? घर छोड़कर। घर छोड़ के मैं ना बेबे 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 यार हुमा क्या बकवास है, मुझे हॉस्पिटल जाना था, तुम यहाँ पे चोट लगवा के बैठ गई हो। यार मैं क्या करूँ, वो तुम्हारा जो कम अकल कजिन है ना मिठू, ऐसे पागलों की तरह सामने से भागता हुआ आ रहा था, बेबे बेबे करता हुआ मुझे गिरा दिया और मेरा पाँव मुड़ गया है। मैं क्या करूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अब मैं किसके साथ जाऊँ? तुम मुझे पहले ये बताओ कि हॉस्पिटल जाना क्यों था, मसला क्या है? बता क्यों नहीं देती अपनी दोस्त से? क्या ये सच बोल रहा है? प्लीज मुझे बताओ। इसका मतलब अब तो ये बाहर भी नहीं जाएगी, क्या कह सकते हैं, वो तो अब बीजा नहीं बताएंगी, वो एक्चुअली बुला रही हूँ। ध्यान से यार, ऐसी कंडीशन में भी। मुबारक हो भाई ऐसे, अब्बा बनने वाले हैं आप और मैं खाला, मजा आएगा ना? आए, खाने बड़े मजे की है। तुमने तो मेरा दिल बाग बाग कर दिया शाहना आज। आए बीजा मेरा वापस लेना तो मैं पूरे घर में गिद्दे डालती हूँ। गिद्दे बाद में डालना, जरा नजाकत को मिठाई बिठाई खिलाओ कुछ भाई। नजाकत भाई ये ले मुंह मिठा करे और मिठाई खा के ना बिल्कुल फिट फाट हो जाए नवासा और नवासी संभालने के लिए। अरे मैं आज ही तो फ्रेश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नईमा नानी और मैं नाना बनने वाला। अरे अरे अरे
इस कंडीशन में इस तरह छलांगी नहीं मारते बेवकूफ लड़की। क्यों, क्या हुआ, किस कंडीशन में? भाई कोई नहीं, छोटी उम्र में ब्याह हो जाए ना तो इंसान ऐसी कमियों वाली बातें करता है। कोई नहीं, छोटी है, इसका ऐसा सब समझ जाएगी। नहीं शहाना भाभी, मुझे बहुत टेंशन है, ये बाहर जाके कैसे रहेगी इस हालत में। ना कौन जा रहा है बाहर? भाई बीजान क्या हो गया, जिया जा रही है पढ़ने के लिए, कल फ्लाइट है ना इसकी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शहाना, अरे इस हालत में ये बाहर कैसे रहेगी, कौन इसका ख्याल रखेगा? जमशेद मियां, इसका टिकट फौरन कैंसिल करवाओ और ये बिल्कुल कहीं नहीं जा रही। बीजान पी, अरे चाय खिलाए ना इसे। मुबारक हो बेटा, लेके आपको अंदर। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो अंदर आके बात करो ना, घर के मर्दों के सामने बात कर रही हो, शर्म नहीं आती? मेरे फ्यूचर का मामला है। और बेटा यहाँ घर की नस्ल का मामला है, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। बीजान ऐसा कुछ भी नहीं है ताई जी, आप बताए ना। खुदाए हाय, खुदा ना खास्ता, क्यों नहीं है? ऐसी बात है, परी की जो आंखें है ना वो एक्सरे मशीन को भी मौत दे देती है, उसके से अनपढ़े पे कभी शक ना करना। अभी से भी ये गुड न्यूज सुनते ही ना जमशेद भाई ने तुम्हारी सीट कैंसिल करा दी होगी। क्या भाई, मेरी सोनी माँ सदके माँ वारी जाए, जिया बात को समझने की कोशिश कर, ऐसी हालत में बाहर के मुल्क में तेरा कौन ख्याल रखेगा? वहाँ पर शहरी और गिंजा है, और फिर आगा जी भी तो है, वो आ जाएंगे ना मेरे पास, रख लेंगे, मेरा ख्याल हो गया ना ख्याल। बेटा मर्दों को क्या पता होता है, और फिर किंजा तो खुद बच्ची है, अगर खुदा ना खाता को ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर कौन ख्याल रखेगा? पीजा प्लीज। शहाना अब तुम ही समझाओ इसे, उस वक्त तो तुम बहुत फेवर कर रही थी और मिसाली सास बनने का भूत सवार था तुम्हारे सर पर, अब समझाओ। मैंने ना तुझे कभी अपनी नूह नहीं समझा है, बिल्कुल हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया तुझे, तुझे मेरी बात माननी होगी। भाई जी हमेशा, इसीलिए तो हर बात के लिए मैं आपके पास आती हूँ ना। ये मैं सदके जाऊँ? देख जिया तुझे ना ये अब दौड़ना भागना जो ना इसको बंद करना होगा। देखिए जो शुरू के चंद महीने होते ना, इसके अंदर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। हाँ मान ले मेरी गाल। भाई जी ना करे ना, फिर ले लेना ना कभी दाखला, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जिया मेरी बच्ची, देख ऐसा मुंह ना बना, मेरे मेरे ना दिल को कुछ होता है, मुझे फिर ना तुझ पे तरस आना शुरू हो जाता। पर अब ये बात है ना जिया, तो मैं भी नहीं दे सकती तुझे परमिशन, मेरी मजबूरी है बेटा। भाई भाग ना। अरे ओ बेबे की कर रही हो? बेबे बेबे चलना, बेबे छेती करना, बेबे उठ। ओहो मिठू की कर रही है, बेड़ा तर जाए तेरा, बंदूक दी गोली दी तरह तू अंदर आया है। ओ बेबे तू भी तो तोप की गोली की तरह, जल्दी से चलना मेरे साथ। क्यों, कोई कयामत आई है? काजल लगा रही थी, सारा फैल गया है। आहो बेबे, उधर मेरी मोहब्बत का मंसूबा नाकाम हो रहा है, इधर आप तैयार हो रही हो। हाय हाय खुदा ना खास्ता, उस मैना दी गलत नहीं पक्की हो गई? अल्लाह ना करे बेबे, वो मासूमा पपोए ना, वो उसे घर से निकाल रही है। ऐसी दी तैसी, इससे पहले मैं उसे ना निकलवा दूं जलाल से कह के। वो तो बेबे खुद बिस्तर पे पड़े हैं, उनका ना ब्लड प्रेशर गिर गया है। हुन तू देख तेरी बेबे डाउन ब्लड प्रेशर को अप कैसे करती है, बेबे की सिलाई तो पर शक नहीं करना। चल 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 बेबे, किथे मेकअप दा आखरी टच ते लान दे। बेबे तू ते तेरे टच, चल चल चल। ओ मिठू की कर रहे हैं? चल 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 चप्पल ते लान दे, पठिया चल। जी प्लीज प्लीज आप ही कुछ समझाएं ना इन्हें। क्या समझाऊं? चार दिन बाद मेरी पहली क्लास है, मेरा पहला सेमेस्टर है। मेरी स्पेशलाइजेशन है, मेरी मेरे पहले सेमेस्टर की फीस हो चुकी है, मेरे रहने का बंदोबस्त हो चुका है, मेरी टिकट्स हो चुकी है, सब कुछ डन है। लेकिन टिकट तो कैंसिल नहीं करवा दिया था भाईजान? हाँ हाँ वो बीजान का ऑर्डर था ना। लेकिन टिकट तो दोबारा भी हो सकती है ना, इसमें ऐसी कौन सी
बड़ी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, मेरे बचपन का ख्वाब है। अगर ये वक्त निकल गया ना तो ये दोबारा नहीं हो सकेगी। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर उस वक्त हालात कुछ और थे। तो तायपा हालात अभी भी तो बदल सकते हैं ना, प्लीज। और मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपने बचपन से मेरा कितना ख्याल रखा है, कितना प्यार दिया है मुझे, आप मेरे लिए ये नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूंगा बेटा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम पराई हो चुकी हो ना बेटा, अब तुम्हारे सारे फैसले अर्सल करेगा। क्यों अर्सल बेटा? नहीं, मैं क्यों करूंगा चाचा, मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अजिया नजाकत अली, अब तो अपने ही जाल में फंस गई हो, इन सब की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। यूके तो दूर की बात, घर का गेट पार नहीं करने देंगी इस घर की खवाती। मैंने नहीं किया था, बीचान ने कहा था, क्या कर सकते बेटा, वो जब बड़े कोई बात कहते हैं तो उसमें छोटों की भलाई होती है बेटा, वो मान लेनी चाहिए। अरे ठीक कह रहे आका जी, आका जी भी ठीक कह रहे। तो फिर आप लोगों ने मुझे इजाजत ही क्यों दी थी? जिया नाराज होगी क्योंकि ये बाहर जाकर रोएगी और मेरे कलेजे को हाथ पड़ेगा। अर्सल बेटा तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाके चुप करवाओ उसे, वो रोएगी बाहर जाकर, मुझे पता है। जी चाचा जी, यानी रोएगा, वो बाहर जाकर रोएगी। वैसे जमशेद बेटा, इसके जाने में कोई हर्ष तो नहीं था। खुदा के वास्ते आका जी, बी जान के सामने मत कह दीजिएगा प्लीज। इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ मैं। चोरी होगी ये, वो अर्सल गया है ना मनाने के लिए। गई है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, अब क्यों रोक रहे हो? जिस ख्वाहिश से तुम्हारी आंखों में आंसू आए जिया, उससे मुझे खुशी कैसे हो सकती है भला यार। प्लीज, अब मुझसे ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं देख चुकी हूँ सबको। सब प्यार करते हैं तुमसे इसलिए मना कर रहे हैं यार। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो दम घोट दे इंसान का। वैसे बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन जुबान के एज पे अटकी हुई आपके तो से फरमाऊं। बोल डीजे, आफ्टर ऑल तू भी मामू बनने वाला शहजादे। लगता रहा है आपके दिल में काफी ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं। ऐसे डीजे सच पूछ तो सब भूल गया हूँ मैं, अब्बा के ताने, अम्मा की मार, सब। मेरा तो दिल चाह रहा है ब्रेक डांस करूं, पूरे शहर में चरागा कर दूं, बल्कि पूरे मुल्क में एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दूं। वैसे हो भी नहीं छुट्टी, लेकिन आप जिया बाजी के सामने तो डायलॉग बाजी मार रहे थे। जब सांप खुद ही मर रहा हो तो अपनी लाठी तोड़ने की क्या जरूरत है, और जब मोहब्बतें सच्ची हो ना बेटा तो ऐसे ही रास्ते बनते हैं। फ्रेश जूस है, बिल्कुल ताजा बनाया तेरे लिए, एक साथ में पी ले, चल। मेरा दिल नहीं कर रहा था जी, मुझे नहीं पीना। हाय जी, ऐसा हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर ना, पता अर्सल की बारी मेरा क्या दिल किया करता था, दिन रात मैं गाची खाऊं। गाची का पता क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है जिससे ना हम तख्तियां लेपा करते थे स्कूल में अपनी। मेरा तो दिल कर रहा है कि सेहत पी लूं अगर मिल जाए तो। क्या हो गया मेरी सोनी को, ऐसी बातें ना किया कर, चल जूस नहीं पीना ना पी, तो ऐसे कर हाथ मुंह धोके ना तैयार हो जा, कपड़े बदल ले, बी जान ने कहा तुझे लेडी डॉक्टर के पास लेके जाना है। आप अपने बेटे को ले जाए, मुझे नहीं जाना। नसलू तुझे क्यों लेके जाना लेडी डॉक्टर के पास, तुझे कौन सी जनाना बीमारी हो गई है? मम्मा गुस्से में क्या के गई है एमी तू। अच्छा चल, कुछ नहीं होता ऐसी हालत में ना, खामखा गुस्सा आता है लड़कियों को, तू थोड़ा कूल डाउन रखकर इसके साथ। ठीक है माँ। शक्ल दिखाओ मुझे अपनी।
अम्मा सदके जाए है, कैसा बाप वाला नूर आया हुआ तेरे चेहरे पे। जान दे अम्मा, अब्बा के चेहरे पे तो नहीं देखा कभी ये बाप नूर। बहुत ही दुर्फटे मुंह तेरा, मैं ही पी लेती हूँ काला नमक डाल के जूस। मतलब मठू है ना ऐसी फर्स्ट क्लास ट्यूशन तुझे ढूंढ के देगा कि तू अपनी जमात में वाकई में ना फर्स्ट आएगी। ना ना ना, वैसे भी हमारा दिल फूट टूट गया, थाजी को भी अच्छा नहीं लगेगा हमारे यहाँ रहना, हमारा हम जा रहे हैं। तू बस चल अंदर, बेबे सब कुछ संभाल लेगी, तू बस चल चल अंदर। मिठू जमा बेगना का, मिठू तसली वाने शेदा। अल्लाह, हाय 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 खान साहब, आप यहाँ ड्रिपे चढ़ाए बैठे और बाहर आपकी जालिम बीवी जो है ना उसने उस मासूम बच्चे का मक्कू ठाप दिया है। ये मक्कू क्या है? और छोड़े अल्फाज मायने को, जाके रोके मासूमा को, हैं? उस बचुंगड़ी मैना को घर से निकाल रही है वो। घर से नहीं निकालता, उसको हॉस्टल भेजते है। हाय हाय, जवान जहान लड़की सगे मामे के होते हुए हॉस्टल में रहेगी, कहीं आपकी भी गैरत को आपने आग नहीं कर दिया? वो परेशान ऐसा बात है, क्या करा, हमारा दिल को खराब मत करो, जलाल खान तो कल खुद गम से न डाले। और कल कल आपको उस लड़की के साथ कोई हादसा हो गया तो सदमा आपका दोरा हो जाना है, तारी हूँ आपको होश के नखून लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपको पता है हॉस्टलों के ना हालात बड़े खराब चल रहे हैं। अरे कल एक सस्ते अखबार में खबर छपी है, छापा पड़ा है ते अंदर से निकला है असला ते पाउडर ते पता नहीं कुछ नहीं कुछ। वो खाने खराब को बजा, ये सब तो कयामत का निशानी है। और कयामत की ये भी बड़ी वड्डी निशानी है कि सगे मामे के होते हुए लड़की बेगानी जगह पे जाके रहेगी। आपको पता है हमारे गुजरात में ना ऐसी हरकतों पर बंदों को खड़े खड़े फड़का दिया जाता है। ओए, तो ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए? तो स्टैंड लो है, रोको जाके उसको। वैसे मिठू गया तो है, इंशाल्लाह कामयाब ही लौटेगा। वो मासूम हमको माफ नहीं करेगा, वो दाजी ने हमको आग कर दिए ना इस वजह से। अब तुसी एंज करो बस, कुड़ी को घर में बिठा के रखो। आपकी इस गैरतमंद हरकत से मुतासर होकर ना आपके दाजी तो क्या आपके पर दाजी ने भी आपको माफ कर देना है, सोचे जरा। वो कुर्बान, ये बात हमारा जहन में क्यों नहीं है? देखे ना फिर इस खुशी की बात पे हाथ माने। वो ड्रिप लग गए, शेरों को नहीं लगनी ड्रिपे, चले निकाले इसको। मर्द बने आप, चले आ जाए। सॉरी जिया, मेरा मकसद वो नहीं था जो तुमने सुना। सुन प्लीज, मुझसे अब कोई बात नहीं करो क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे मकसद और मतलब समझ आते हैं। अच्छा डॉक्टर के पास तो चलो ना। क्यों? मेरा मतलब है कि जब सबकी आंखों में एक एक्सरे मशीन ऑलरेडी फिट है और वो मुझे अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं कि मुझे क्या हुआ है, तो फिर क्या जरूरत है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, धक्के खाऊं? दवाई तो डॉक्टर ही बताएगी मुझे। कौन सी मेडिसिन अरसल, कैसी मेडिसिन? मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, सबका दिमाग खराब है, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है। तुम लॉन में क्या कह रहे थे? मजाक कर रहे थे आप तुझे से। मजाक कर रहा था? मजाक तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी का बना दिया यार। इतने अजीबो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हो, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। सुनूंगा ना यार तुम्हारी बात। ही है तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है ना, लेकिन असल मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तुम थोड़ी देर के लिए भी कोशिश कर सकते हो खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचने की कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? Thank you.
हिम्मत से काम लो जलाल, तुमने तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी। वो आगा जान, हमारे लिए तो जिंदगी का कशिश ही खत्म हो गया। सारा कारोबार खत्म, सारे रिश्ते खत्म, कुछ नहीं बचा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलके कोई कारोबार शुरू करते हैं। मैं यूके संभाल लूंगा, तुम यहाँ का कारोबार देख लेना। अब पैसे किधर से लाएगा? अब मामू जाना, मैं बात करता हूँ ना दादी से, अभी फोन लगाता हूँ, वो माफ कर देगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हा? तुम ये फोन शोन रख दो और हॉस्टल जाओ, तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, वैसे ही हर्ज हो रहा है। वो माशुमा, खुदा का खौफ करो, एक बेटी का माँ कर तुम ऐसा बात करता है? तुम्हारे खानदान में लोगों को ऐसा निकालने का रिवाज होगा? हमारे पिखावर में ऐसा नहीं है, हम पठान लोग अपने मेहमानों की खातर अपना जान दे देते हैं। निकाल कहाँ रही है, हॉस्टल भिजवा रही है, वैसे रहना तो उसने यहीं पर है ना। वो बच्चे जल्दी करो, हमारा कपड़ा निकालो, हम एक किराए के फ्लैट पे रहेगा तुम्हारे साथ, बाकी का जिंदगी हम ऐसे ही गुजारेगा। लो अभी एक नई पटरी पर चढ़ गया। किराया कहाँ से देंगे, दादी ने तो आपका सब कुछ छीन लिया है। माशुमा जान, हमारा भी अल्लाह मालिक है। वो बच्चे तुम तैयारी करो, जरकवा जल्दी करो, जल्दी करो। मैं ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे मामू और मामानी यहाँ रह रहे हैं तुम भी यहीं रहो, और जलाल मियां तुम ये बेवकूफाना किस्म के फैसले करना बंद करो। इसके दादी से तो पूछ लो, कल को नवासी की भी जिम्मेदारी हम पर ना डाल दे, एक जलाल तो हमें तोहफे में दे ही दिया। वो तो खुश होंगे, हॉस्टल का खर्चा बच जाएगा, कंजूसी का तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है मेरे ससुराल वालों ने। वैसे यहाँ कोई रिवाज नहीं है जदाद में हिस्सा शिस्सा देने का बेटियों को? कौन सा हिस्सा? शरई हिस्सा मसूमा दा। सोचो ना कौन सी कमी आ जानी है जमशेद भाइयों के खजाने में, और इन दोनों का दाल दलिया भी चलता रहेगा। माशाल्लाह कुर्बान कुर्बान, वो क्या पोपट मशवरा दिया परिजान तुमने, क्या दिमाग पाया आपने, आप पर तो दिल कुर्बान करने को दिल करता है। वैसे बात तो सही कर रही है परवीन, क्यों बेचार? तुम तो चुप करो, एक नया शोशा छोड़ दिया ये हिस्सा लेने वाला। अरे रख लो अपनी भांजी को इसी घर में, जहाँ इतने लोग पल रहे हैं इस घर में वो भी पल जाएगी। भाई मसूमा, तूने ना अब डटे रहना है, वो बहुत खा लिया जमशेद भाई और नजाकत है तेरा हिस्सा। बीजन भी तो माने ना। माने ना माने, तूने ना उंगली डाल के हलक से निकालने अपने पैसे। वाह वाह, क्या कुर्बान परिजान, क्या खूबसूरत बात किया तुमने, दिल कुर्बान हो जाने को करता है। मैं बात करती हूँ आज जमशेद और शाना से, देखो क्या होता है। शाबाश शाबाश। मिला कजिया, तुम रो रहा है? नहीं, मैं हंस रही हूँ। सबने तो जैसे बहुत अच्छा किया ना कि मैं हंसू। रो तो मत मड़ा, सारा नाजुक पलार पर शांति जमाम जरूरत से कीगी। क्या वो तुम रोता है तो हमारे दिल को भी कुछ होती है। इस पूरे घर में लोग एक दूसरे का फ्यूचर खराब करके आगे बढ़ रहे हैं और किसी को कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें क्यों हो रहा है? मड़ा जिया समझो ना, खुशी का बात है जिसकी वजह से रोक रहे हैं तुम्हें लगा। मेरी खुशी तो बर्बाद हो गई ना। मैं जिया देखो प्लीज नहीं रोना, हम तुमसे छोटा है लेकिन ये समझता है, जिंदगी में जो होती है अच्छी के लिए होती है। प्लीज। थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। आप भी बहुत स्वीट हो। तुम्हें अब इस घर में किसी भी किस्म की कोई भी जरूरत हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। तुम्हारा दोस्त ही पक्का? पक्का। दे ताली। ए, तूने नहीं माननी मेरी बात है। नीचे क्या कर रही है तू यहाँ पे? जी मुझे प्यास लग रही थी, पानी नहीं था ऊपर, तुझे नहीं आ गई। मैंने तुझे बताया है इस हालत में सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी है, तुझे जिस चीज की भी लोड़ है ना तू मुझे बता, कमरे में पहुंच जाए। तू तेरा क्या नाम है? मैना। हाँ वही, आज से ना मैं तेरी जिया के साथ ड्यूटी लगा रही हूँ, इसे जो चीज भी चाहिए होगी, जो शह चाहिए होगी, तूने इसे कमरे में पहुंचानी है। ठीक है, आ गई समझ में बात? अब पुत्र इस घर में रहना ना तो हाथ पैर हिलाने होंगे। खा खा हिला लेगा,
आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, और तूने ना उठते बैठते इसकी उर्दू का किबला जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त कराते रहना, ठीक है? चलो दोनों जने जाओ ऊपर, शाबाश है, अब नीचे ना आना। तुम्हारे मुंह पे चमाट मार के ना बताऊ माई सिटी के बारे में? मजाक कर रहा था, ये जो तुम पींगे बढ़ा रहे हो ना मेरे दुश्मनों के साथ, ये सब मुझे दिख रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चों, अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया बच्चे को डांटी जा रही है? अब मैंने, मुझे याद आया, वो तुमने वली दकनी के तस्वीर महबूब के बारे में पूछा था, ऐसा मटेरियल निकाला, क्या याद करोगे, आज दे दूंगा तुम्हें। का? और वैसे भी कल से हमारी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू। ना करो, कमाल हो गया, दैट्स ग्रेट। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। जिया देख के यार, आराम से हमें डांट पड़वाएगा, ये हमें डांट पड़वाएगा। कमाल है तेरी बहन। हाँ मैं लिखवाऊँ? लिख। लंदन इज इन यूके। अभी और इसी वक्त निकालो उस फसाद की जड़ को मेरे घर से। तो आपने वैसे, और नहीं तो क्या, एक नंबर की फसादन औरत है वो। देखो कैसे खड़े खड़े चंद सेकंड में जलाल को भड़का दिया उसने। मैंने तो साथ बिजनेस करने की ऑफर दे दी। देखो मियां, तुम इतना सर ना चढ़ाओ उसे। इतना तो परेशान था वो बेचारा, और इस परेशानी का हल ये निकाला है उस परी ने, अल्लाह पूछेगा उसे। अब देखना जलाल किसी को जीने नहीं देगा। क्या परवीन से? नहीं, जलाल भाई से। आराम से बैठे आप, वो वैसे ही आपको किसी खाते में नहीं डालते। आपने समझाना था मासूमा को? अरे क्या खाक समझा, उसके तो अपने चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि लोड शेडिंग में सारा शहर चमक उठे। बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, अब किसकी चलेगी उसके आगे? देखो जरा बंटवारे की बातें शुरू कर दी। बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जलाल को। मासूमा, तुम्हारा हिस्सा कम अज कम 2.5 करोड़ रुपया निकलता है, वो हमने पूरा हिसाब किताब लगाया है। वाकई? हाँ का ना, हम तो परी बेगम का जहानत पर अश्कर उठाऊ। क्या शानदार औरत है, क्या दिमाग पाया। चाची हमको माफ कर दे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता नजाकत और जमशेद मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा देंगे। स्टैंड लो उन लोगों के सामने, स्टैंड लो, डट जाओ इन जालिमों के सामने। जलाल खान तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, ठोपक जमा कानून दे। आप बेफिक्र हो जाए, अब आप देखना मैं क्या करती हूँ। वही तनेर खस्ता स्तर के दे, तुम्हारा आंखें बहुत खूबसूरत है। जब हमको ईसा मिलेगा ना, हम तुमको उमरा पे लेके जाएंगे सऊदी अरब, मिलकर अला अला करेगा। चले ना हिसाब करें। वही इतना और कितना हिसाब करेगा, 2.5 करोड़ कम है क्या? लेकिन पता तो चले जा कहाँ रह रही हो, माँ के घर जा रहे हैं। मेरे का तुम हमें मर पाएगा। जी हाँ, तुम्हारा इतना प्यारा सा सासू माँ है, उसने मना किया कहीं नहीं जाना, हमने कहीं नहीं जाना। कोई जरूरत नहीं है, मम्मी खाए ना, घर वालों की बातों का ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा तुम्हारा कजन नहीं है, मेरा कजन है। मेरा कजन जो मिट्ठू है ना, उसने मेरे असिस्टेंट मम्मा का बड़ा दिल दुखाया, तो हमने उसे मना के लिए जाए। जी एक काम करो, हमारे सेलफोन में बहुत प्री मिनट से कॉल करो मम्मा को, जाता है। चलो मेरे साथ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, पिछले 48 घंटे से मैं उस कमरे में बंद हूँ, मैं बहुत बोर हो गई हूँ यार, चलो ना बस कोई देख ना ले हमें। कुछ ही नहीं सुना, कुछ नहीं। जी बहन भाई, भाई नहीं है यार, भाई बोर हो गए हैं उस घर में, डीजे समझना। दो दिन से कमरे में बंद हूँ, कोई तरह तो नहीं जाने देता। अम्मा के पास जाना है, रिक्शा ला देना, ड्यूटी बस किसी को बताना नहीं। कोई नहीं, ले आता हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, बस हम गेट पर आ रहे हैं, बता देना, कॉल दे देना। किधर? नीचे, नीचे। ऐसे जैसे बस हम गार्डन में जाते हैं वॉक करने के लिए।
क्या ऐसी आफत आ गई है जो भी, और इसी वक्त चाहिए तुझे यूनिवर्सिटी की फेयरवेल वीडियो? कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा? जय सुपर 4G नहीं तेरे पास? इसीलिए जिंदगी में इतना स्लो चल रहा बेटा, जाके नई सिम ले फिर बात करी। मैं मर गई है, अकेली बैठ के चलेगी रिक्शे के ऊपर। जिया अल्लाह खैर करे भाभी, पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। सारा कसूर मरासी का है। और मैंने क्या किया अम्मा? ना गाड़ी पे उसको छोड़ते हुए तुझे मौत पड़ी थी ना। और मुझे नहीं बता के गई, वो मोटे डीजे ने उसको रिक्शा रोक के दिया है। ए, हमेशा अपनी सारी गलतियां जो ना मासूम बच्चे पे लेप देना तू। और वो देखो, मैंने मैना को कहा था कि उसका ख्याल रखना, वो भी साथ टूट पड़ी। शुक्र करे उसके साथ गई है, वो अकेली नहीं गई। ये तो है। मासी। हाँ मिठू पुत्र, फरमाइए। आपका ना बुलावा है, वो भी जानना आपको बड़ी शिद्दत से याद करी। हमेशा कोई बदखबरी लेकर आना। ये नीमा बीजान को पता चल गया होगा जी अकेली चली गई रिक्शे पे, मेरी शामत आने वाली। तू आ मेरे साथ, आ चल। मैं क्यों? सल्लू भाई आपको पता ही नहीं है भाई ने ऐसा करना मां मारा, क्या बताऊं आपको। क्या करना मां मार लिया भाई ने? ओए सल्लू भाई मैं बताता हूं, मैं ना चलते रिश्के से ऐसे रोका है मैना को, और बेबे ने ऐसी थरतलियां मचाई हैं, ऐसी थरतलियां मचाई हैं कि उसको हॉस्टल जाने से रोक लिया। ज्यादा बड़के ना मार, बीजान को गुस्सा आ गया ना तो सामान समेत उठा के मारेंगे उसको गली के बाहर। वैसे सल्लू भाई बड़े अफसोस की बात है, कभी तो भाई के लिए खुश हो जाया करो। हैं क्या खुश हो गया? तेरी पापी ने काम करके रखा। इस घर में कोई खुशी नहीं होता वैसे। यार मां कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं धड़े मार मार के रोऊं। जिया कितनी स्टूपिड हो तुम, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किस चीज पर? कि मेरी स्पेशलाइजेशन थी, वो ख्वाब मेरा बीच में कहीं अधूरा रह गया है। नहीं, इस बात पर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी अच्छी गुड न्यूज दी, एंजॉय करो इसे। यार सारे घर वालों ने मिलकर जिंदगी अजाब कर दी है। अब वो कैसे? यार कभी कहते कि I'm sorry. यार कभी मुझे कहते हैं जूस पियो, कभी कहते हैं शेक पियो, कभी कहते हैं सीढ़ियाँ उतरो नहीं, कभी कहते हैं सीढ़ियाँ चढ़ो नहीं। यार कमरा ऊपर है तो कैसे नहीं सीढ़ियाँ उतरेंगे चढ़ेंगे? यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे मरीजा जैसा फील होने लग गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा लग रहा है मैं बीमार हूँ। जिया कितनी पागल हो तुम, यार सब तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखते हैं। और बात सुनो, इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनका सब ध्यान रखते हैं, वरना कुछ मेरे जैसे होते। तिलका जिया, लिवानी का कॉल। क्या? मेरा मतलब है मिट्टू का कॉल। कोई जरूरत नहीं है उसकी कॉल उठाने की, पिछले आधे घंटे में वो तुम्हें 36 दफा कॉल कर चुका है। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, तुम ये बताओ डॉक्टर को दिखाया तुम? मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन जिया कभी ना कभी तो दिखाना ही पड़ेगा तुम्हें। बस मामू कॉल रहा है, जलाल मामू दे। यार ना घर में सुकून से रहने देते हैं, ना किसी और के घर में सुकून से रहने देते। तुम अकेले खाना छोड़ो और चलो। और तुम प्लीज अपना पैर ठीक करो और घर पर चक्कर लगाओ। हाँ मामा जी, हम चलते हैं, फिर मिलेगा। बाकी तुमसे थोड़ी ही बड़ी है। सॉरी, वो दरअसल हमारी पिखावर में छोटा बड़ा सबको बाजी बोलते है। तुम तो अपनी बाजी के सदमे से बाहर निकलो और पैर ठीक करो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, वेट कर रही हूँ तुम्हारी कॉल का। तुम चलो, अल्लाह हाफिज। बाकी तुम बेबे पानी पी ना। ना तू मुझे आज बताएगी, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तू मुझे बताएगी कि तू उनके साथ है या मेरे साथ है? ना मैंने तेरे खिलाफ कौन सा कट्टा खोल दिया है? ये जो जलाल भाईजन के नाम का तूने कट्टा खोल दिया ना पिनो, मैं तुझे बता रही हूँ ये पूरे कराची से नहीं संभाला जाना। मासी गुस्से में छोड़, पानी पी। रहने दे, ये पानी जो ना अपने बेबे के सर पर डाल, जिसकी जबान कंट्रोल पे नहीं रहती है। मैं तो ऐवें ही गल कीती है पागला। ये जो तू ऐवें गल करके ना साइड पे निकल जाती है, मैं तुझे बता रही हूँ पीनो, ये चलाकियां मेरे साथ नहीं चलने वाली हैं। तो दे दे ना बेचारी मासूमा को उसका हिस्सा है, कितना परेशान है उसका मियां। बेबे पानी पी, नल कूल डाउन। पुत्र मैं कूल डाउन ही आ, तेरी मासी नु गुस्सा आ रहा है।
ना तो क्यों ना आए, मुझे गुस्सा है, पूरी जदाद में वनिया डाल दी है, सारी की सारी मेहनत आज तक जो है वो मेरे शौहर ने की है, देख लूंगी मैं तुझको। वैसे बेबे आपस की बात है, मुझे ना लगता है आप ही ने कुछ चवल मारी होगी। चुप कर, जलाल नु सीधा करते करते छन्नो को डाल लिया मैंने गले, अब सोचना यह है कि यू टर्न कैसे मारूं। हाँ बेबे मैं बताता हूँ आपको, रहन दे। अच्छा थोड़ी उसके लिए इस कंडीशन में। कैसी कंडीशन? कौन सी कंडीशन? चलो अंदर जाओ। किसी से नहीं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछ कर जाती तो कोई भी मुझे इस जेल से बाहर ना निकलने देता। अब तुम्हें ये घर जेल लगना छोड़ो। चाची कूल डाउन, क्या हो गया? दोस्त की तरफ ही गई थी, कौन सी बड़ी बात हो गई? ई मैं मार गई। हाय उतार ये एडी वाली जूती जिया। क्यों, किसको मारनी है? भाई मारनी नहीं है जिया पुत्र, लेडी डॉक्टर मना करती है, इस कंडीशन में नहीं पहनते एडी वाली जूती। तुझे बताया नहीं इसको नीमा? सुनती कब है? आप लोगों ने आहिस्ता चलो बेवकूफ लड़की। और तो जो मीसनी बन के यहाँ पे खड़ी हुई है, तुझे मैंने कहा था इसका ख्याल रखना, तू चड़प्पे मारती उसके साथ टूट गई। दे तो बखबला चिंजीवा, मतलब दिल घबरा रही थी जिया का। तो जान दे अम्मा, देख उसका आगे दिल घबरा रहा, सारे हाथ धोके पीछे पड़ जाते उसके। देखा देखा कैसी फिक्र होगी इसको अपनी मोटी की। अब चल लगा रहे जावे क्या उसको। वो किंजा बचे, अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से पहुंच गए। इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारा बाबा उधर आएगा यूके अपने खर्चे पर तुमसे मिलने के लिए। बस यू समझो कि हमारा लॉटरी निकल आया। हाउ का ना बचे, खुदा पामान, खुदा जमाल शाह। जलाल मियां, ये लॉटरी के ऐलानात जरा बाहर जाके अगर आप करें ना तो बेहतर होगा। नमाज पढ़ना महाल कर दिया तुमने। बिस्मिल्लाह बीजान, बिस्मिल्लाह। आप नमाज पढ़ो और हमारे लिए भी दुआ करो। तो नमाज पढ़ने के बाद बीजान आपसे बड़ा एक जरूरी बात करने। और अगर ये जरूरी बात जायदाद के बारे में है ना, तो हमारी तरफ से साफ जवाब है। बीजान, वो बीजान। हो, वो चिया बचे, मैं ना आपके साथ गया था जहन्नुम में। वर्सल, तुमने जिया को यूपीए की बजाय जन्म का टिकट लेकर दिया। पप्पा खुदा का खौफ करें, कभी सीरियस हो जाए करे जिंदगी में। सुनो चंदा।